यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की तरफ से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी कर दी गई है और फिनलैंड को एक बार फिर दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में ताज पहनाया गया है। दी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ग्लोबल हैप्पीनेस की एक स्थिति का ऐतिहासिक सर्वे है जो 149 देशों को उनके नागरिकों की खुशी के हिसाब से रैंक करता है। इस बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कोविड-19 के प्रभाव और पूरी दुनिया के लोगों ने कैसे काम किया इस पर ध्यान दिया गया है। वार्षिक रिपोर्ट प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वस्थ जीवन और नागरिकों की राय के आधार पर देशों को रैंक करती है। सर्वे में शामिल लोगों को 1 से 10 पॉइंट के बीच रैंकिंग करने को कहा जाता है, जिसमें उनसे कुछ गलत होने पर उन्हें कितना सामाजिक समर्थन मिलता है, अपनी स्वतंत्रता को अपने जीवन विकल्प बनाने के लिए उनका समाज कितना भ्रष्ट है और वो कितने उदार हैं, इस तरीके के कई सवाल पूछे जाते हैं। फिनलैंड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। नॉर्डिक राष्ट्रों के बाद आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान 105वें, बांग्लादेश 101 नंबर और चीन 84वें स्थान पर है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की सूची में भारत 149 देशों में से 139वें स्थान पर है। 2019 में भारत 140वें नंबर पर था। वहीं युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में लोग अपने जीवन से सबसे ज़्यादा दुखी हैं, जिसके बाद जिम्बाब्वे 148वां नंबर, रवांडा 147वां नंबर, बोत्सवाना 146वां नंबर और लोथोसो 145वें नंबर पर है। हैप्पीनेस स्टडी दुनिया के देशों के ग्लोबल वर्ल्ड पोल के सवालों के आधार पर रैंक करता है। जीडीपी और सामाजिक सुरक्षा सहित कई दूसरे मुद्दों के आधार पर इसका रिजल्ट जारी किया जाता है। दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हैप्पीनेस रैंक 19वें स्थान पर है। कुल मिलाकर इंडेक्स ने पिछले सालों की रिपोर्टों की तुलना में खुशी के स्तर में थोड़ा बदलाव दिखाया है, जो कोविड-19 महामारी से पहले की जानकारी पर आधारित था। भारत का इस सूची में इतना खराब प्रदर्शन देश की सरकार के लिए आलोचना का केंद्र बनता जा रहा है और विपक्ष ने भी इस रिपोर्ट बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे बदलते भारत पर तंज कसा है और साथ ही साथ इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि किसी भी तरीके से देश की स्थिति को सुधारा जा सके। इस रिपोर्ट को मैं लेकर आया था आपके सामने, यानी चंदन भारद्वाज। और यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि इसे हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के बारे में सभी लोगों को जानकारी दीजिए।